मुंबई के घाट के ऊपर सरकारी हॉस्पिटल राजावाड़ी से गायब हुई मेहराज शेख की नामक युवक की शव। देखिए खबरें आज भी की रिपोर्ट। गोवंडी के टेनिस कैंप में पुरानी रंजिश के कारण 6 दिन पहले हुई हत्या के मामले में देवनार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा था। घाट के ऊपर राजावाड़ी हॉस्पिटल से शव गायब होने का मामला तूर पकड़ रहा है। परिजनों का मांग पर तिलक नगर पुलिस थाने के अधिकारियों मामले की जांच में जुट गई है। तो मेरे चाचा ने और उनके चाचा के चारों बच्चे ने मिल के मारा गया है और 3 तारीख को उसको चाकू मारा गया। हम उसे राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेके आए, हॉस्पिटल पहुंचे तो उसका डेथ हो गया। डॉक्टर ने बोला क्या वेरीफाई किया, बोले डेथ हो चुका है, आपको पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट मिलेगी। पुलिस केस हुआ, देनार चौकी दिसाई साहब के हाथ में ये केस था और पूरी चौकी ने फुल कोऑपरेट की हमारे साथ में। और रहा सवाल, हम दूसरे दिन हमें बोला गया क्या बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद पीएम होने के बाद में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दूसरे दिन हम सुबह में जब इधर पे आए हैं तो उसके बाद में बोला गया क्या कोरोना टेस्ट के बाद में आपको बॉडी मिलेगी पीएम होने के बाद। तो हमें से आधार कार्ड मंगाया गया, हम लेके आके दिए। दूसरे दिन फिर हम आए और हमारी बॉडी कनेक्ट करने के लिए तो बोला गया क्या नहीं अभी रिपोर्ट नहीं आई है, शाम में आओ। शाम में फिर हम लोग आए तो फिर बोला गया नहीं सुबह में आएगी रिपोर्ट, फिर सुबह में आए। फिर ऐसा करते करते हम 4 तारीख को जब यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए आए तो रिपोर्ट हमें मिली, मगर वो रिपोर्ट लेके जब हम डॉक्टर के पास गए तो 65 साल की उम्र का वाले की रिपोर्ट थी, तो बोले रिपोर्ट गलत हो गई है, दूसरे की रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट आपको कहाँ से आई थी जो 65 साल की थी? ये उधर से, क्या नाम है अपना, ये 30 नंबर वार्ड से ये शताब्दी हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल राजावाड़ी हॉस्पिटल में। अच्छा, 30 नंबर वार्ड से हमको रिपोर्ट मिली, वो रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, हमने उसका फोटो निकाल के रखे थे, रिपोर्ट तो वहाँ जमा हो गई थी। तो बोले दूसरे दिन आपकी रिपोर्ट आपको आ जाएगी, मिल जाएगी। तो फिर हम 5 तारीख को फिर आए तो फिर बोले रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसमें वक्त लगेगा, आपको फ़ोन आएगा। तो फिर 6 तारीख वाले दिन मेरे बड़े भाई को फ़ोन आता है MOR से कि आपका भाई को पॉजिटिव पाया गया है, आप इधर पे आइए। तो हम लोग बोले वो चीज़ के लिए हम बोले क्या पॉजिटिव कैसे हुआ, जब ऑन द स्पॉट उसको उसकी डेथ हो चुकी थी। 5 दिन के बाद में 6वें दिन बोल रहे हैं पॉजिटिव आया रिपोर्ट, फिर भी हम उस चीज़ के लिए राजी हुए। हमारे साथ में साहब आए पीएम करने के लिए, जब हम बॉडी कनेक्ट करने गए तो बॉडी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद में सुबह से 12 बजे से शाम के 7 बजे तक के हमें यही बोला गया क्या बॉडी है आपको, बॉडी कनेक्ट होगी आपको मिलेगी। ना उसका पीएम हो पाया ना बॉडी हमें मिली। 7 बजे के बाद में हमें बोला जा रहा है बॉडी नहीं है, मिसिंग है। तो अभी तक जो राजावाड़ी हॉस्पिटल का प्रशासन का जो अधिकारी उनका क्या कहना है? उनका कहना है क्या बॉडी यहाँ से शायद कहीं और चेंजिंग हो गई हो। हाँ। वो ठीक तरीके से हमें उस तरीका मालूम नहीं पड़ा, वो एक ही बात कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम इस चीज़ की जांच कर रहे हैं। अब हमें ये बताइए क्या ये बॉडी मिसिंग होने के बाद में पीएम नहीं हुआ है तो हमारे भाई को इंसाफ कैसे मिलेगा? पुलिस कैसे उस चीज़ का केस करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी? हमें ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी। एक तो हमारा भाई एक तरफ से चला गया, 6 दिन से परेशान थे, हमें सिर्फ दौड़ाया गया जी भाई आज दी गई, आज मिलेगा कल मिलेगा, मगर हमें बॉडी नहीं मिली। हमारा बॉडी नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे, आप यहीं बैठोगे या मतलब क्या किस तरीके से? सर बॉडी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसे छोड़ के चले जाएं? किस तरीके से हम ऐसे चले जाएं? हमारी माँ, उसका छोटा बच्चा, कम से कम हम उसका कुछ नहीं कर सकते थे इंसान। अब वो बॉडी मिसिंग हुई है क्या, हटा दिया गया है? क्या लगता है आपको कि जो मर्डर हुआ उसके अंदर कुछ साजिश की? सर हमारी सोच तो अभी कहीं पे भी जाएगी। सर वो ऐसे भी बोलता था, सर मेरी पहुंच है, मेरा इधर है, मेरा उधर है, शायद ये चीज़ करा हो या ना करा हो, मगर हमारी सोच तो हर जगह जाएगी। सर हमें यह भी डाउट है कि बॉडी को हटा दिया गया है केस को हल्का करने के लिए। तो अभी आपका क्या मांग है, क्या प्रशासन से? हमारे को हमें इंसाफ चाहिए डॉक्टर से, डॉक्टर के पूरे जिम्मेदारों से, जिसके हाथ में केस था वो डॉक्टर के डीन से, हर एक से हमें उनको सजा चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो आरोपी है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई चाहिए। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता है, हमें वो नहीं मिल सकता, मगर उसका इंसाफ चाहिए हमको, कैसे भी हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर ही रहेंगे।
बस हम इतना ही कहना है मेरे को, मेरी पीएचसी पूरी करिए, आप लोग कैसे भी बाहर पहुंचाइए, कैसे भी करके हमारे को इंसाफ दिलाइए।